हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रतलामी जायका विद अलमास खान। आज हम वेज शामी कबाब की रेसिपी लेकर आए हैं जो हमने सोया चंक से बनाए हैं। चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। वेज शामी कबाब बनाने के लिए हमने एक बोल सोया चंक्स लिए हैं जिसे हमने गर्म पानी में सोक करके और इसका पानी निकाल दिया है। और ये हमने चाय का एक कप चने की दाल लिए, इसे भी हमने 15 मिनट भिगोकर और साफ करके बिना पानी के रखा है। ये 8-10 कली हमारे पास गार्लिक या लहसुन की है। एक हमने बड़ा प्याज काट के रखा है और ये 5-6 हमारे पास में रेड चिलीज हैं जो हम साबुत डालेंगे। ये हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। और ये हमारे पास भुना हुआ पिसा हुआ जीरा है 1/2 टीस्पून। अब हम इन सब को बॉईल करने के लिए कुकर में डालेंगे। ये सब हम इंग्रेडिएंट्स कुकर में डालेंगे। सबसे पहले हम ये लहसुन डालते हैं, ये लाल मिर्च, प्याज जिसको हमने मोटा मोटा काटा हुआ है और चने की दाल। और ये सोया चंक्स, सोया में प्रोटीन होता है और विटामिन्स, मिनरल्स एंड इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। ये हमने जो भी मसाले लिए हैं ये सब हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे यानी कि 2-4 टेबलस्पून, ताकि हमारी दाल और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छे से गल जाए। सोया हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। ये हमारा पानी हो गया है, मिक्स कर दिया हमने। और अब हम इसको कुकर का लिड लगा देंगे। इसे हम एक सीटी आने के बाद 5 मिनट के लिए स्लो पर रख देंगे। ये गैस का फ्लेम हम हाई कर देते हैं। एक सीटी आने के बाद हम इसे 5 मिनट तक स्लो पे रखेंगे। ये हमारा हो चुका है लेकिन अभी इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी है जिसे हम बिल्कुल सुखाएंगे और इसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। इसे हम बिल्कुल पानी को 5 मिनट में सुखा लेते हैं। इसका पानी हमने कुकर में पूरा सुखा लिया था और अब ये हमने प्लेट में निकाला है और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर लाएंगे। उसके बाद हम इसको मिक्सर में पीसेंगे। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम इसको जार में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको पीस लेते हैं। इसे हम 2 बार में करके करेंगे। मिक्सर में पीसने के बाद हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या आप मैदा भी ले सकते हैं। ये हम इसमें मिक्स कर देंगे। और ये हमने हरा धनिया लिया हुआ है, इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। ये हमने 3 हरी मिर्च बारीक काट के डाली हैं और ये 2 मीडियम साइज हमने प्याज लिए हुए थे वो हमने बहुत ही फाइनली चॉप्ड किए हुए हैं, वो भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और ये पुदीना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो ये भी हम इसमें मिक्स कर देते हैं। और इस सब को हम हाथ से मिक्स करेंगे।
थोड़ा सा हम हाथ पर पानी लगाएंगे और जितना पोर्शन आपको साइज रखना है उतना आप लें। इसमें हमने कॉर्नफ्लोर या मैदा मिक्स किया हुआ है, आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्स भी मिक्स कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। सोया हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। जो लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और वेजिटेरियन हैं तो एक की जगह सोया को यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक की जगह एक का रिप्लेसमेंट सोया हो सकता है प्रोटीन के लिए। जो हो चुके हैं हम उनको पलट देते हैं। ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं।